हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस सो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे डिस्क एक्सेस टाइम के बारे में तो डिफरेंट टाइम्स होते हैं डिस्क एक्सेस टाइम को निकालने के लिए जो है सीक टाइम रोटेशनल टाइम देन रोटेशनल लेटेंसी ट्रांसफर टाइम कंट्रोलर टाइम और उन सब का जो सम होता है वो हमारा होता है डिस्क एक्सेस टाइम तो एक एक करके सबको स्टडी करते हैं कि होता है क्या है उसके बाद इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे तो so सबसे पहले हम देखते हैं सीक टाइम तो सीक टाइम क्या है इट इज़ द टाइम टेकन बाय द रीड राइट हैड टू रीच द डिज़ायर ट्रैक फ्रॉम इट्स करंट पोजिशन ठीक है अपनी करंट पोजिशन से डिज़ायर ट्रैक पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम उसके बाद हम बात करते हैं रोटेशनल टाइम की रोटेशनल टाइम क्या होता है इट इस टाइम टेकन फॉर फुल फॉर वन फुल रोटेशन तीन साठ डिग्री की रोटेशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल टाइम और इसका जो हाफ होता है हाफ ऑफ रोटेशनल टाइम इसको हम बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी ये क्या होता है ये इंपॉर्टेंट इट इज़ ए टाइम टेकन टू रीच द डिज़ायर्ड सेक्टर ठीक है तो इसको हम यूज़ करते हैं एक्सेस टाइम को निकालने के लिए मतलब डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी आपको याद रखने सारे टाइम किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं फिर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र टाइम इट इज़ ए टाइम टू ट्रांसफर टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा ठीक है जितना डेटा ट्रांसफर करना है डिवाइडेड बाय ट्रांसफर रेट उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर टाइम और जो ट्रांसफर रेट है वो कैसे निकलता है नंबर ऑफ हेड्स इन टू और मल्टीप्लीकेशन कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ रोटेशंस इन वन सेकेंड ठीक है तो ये आपको याद रखना है ट्रांसफर टाइम क्या होता है और अगर आपको कंट्रोलर टाइम दे रखा है जो कि होता है प्रोसेसिंग टाइम टेकन बाई द कंट्रोलर तो उसको भी आपको एक्सेस टाइम के अंदर ऐड करना है तो टोटल डिस्क एक्सेस टाइम कैसे निकलेगा सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी विच इज हाफ ऑफ द रोटेशनल टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम जो निकलता है प्लस कंट्रोलर टाइम अगर आपको दिया हुआ है तो इन सब का जो सम होता है वो हमारा कहलाता है एक्सेस टाइम अब करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कंसीडर ए हार्ड डिस्क विद फोर सरफेसेस 64 ट्रैक्स पर सरफेस 128 सेक्टर्स पर ट्रैक 256 बाइट्स ऑफ डेटा पर ट्रैक डिस्क इज रोटेटिंग एट थ्री सिक्स जीरो जीरो आर पी एम ना वट इज द डेटा ट्रांसफर रेट ठीक है तो हमें यह चीज फाइंड आउट करनी है ठीक है अब देखो यहां पर आपको दे रखा है थ्री सिक्स जीरो जीरो आर पी एम मतलब कि सिक्सटी सेकेंड में कितनी रोटेशंस हो गई यहाँ पे थ्री सिक्स जीरो जीरो तो वन सेकेंड में कितनी रोटेशन हो गई थ्री सिक्स जीरो जीरो डिवाइडेड बाई सिक्सटी विच इज इक्वल्स टू सिक्सटी रोटेशंस ठीक है अब हमें क्या निकालना है डेटा ट्रांसफर रेट ठीक है तो डेटा ट्रांसफर रेट मैंने आपको क्या कहा था यहाँ पे तो so, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था आपको क्या होता है ठीक है चलो तो डेटा ट्रांसफर रेट कैसे निकलेगा मैं इसको डी टी आर से डिनोट कर देता हूँ तो इसको निकलेगा निकालेंगे कैसे हम इसको हम निकालेंगे नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड तो हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड कितनी है सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय ट्रैक कैपेसिटी अब ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे हमारे पास ट्वेंटी एट सेक्टर्स पर ट्रैक है हमारे पास। तो 128 256. ये ट्रैक की कैपेसिटी आ गई, देन नंबर ऑफ़ इक्वल्स तो आपके पास डेटा ट्रांसफर रेट ये आ जाएगा जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा ठीक है तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द एवरेज एक्सेस टाइम ठीक है एवरेज एक्सेस टाइम हमें कितना दे रहे हैं अब देखो अगर आपको कुछ टाइम नहीं दे रखा है जैसा कि सीख टाइम नहीं दे रखा कंट्रोलर टाइम नहीं दे रखा हो या अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर नहीं दे रखा तो आप इन सबको जीरो कंसिडर कर लोगे ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज एक्सेस टाइम किसके बराबर आ गया बाकी सारी वैल्यूज़ मेरी जीरो हैं मतलब कि अगर मेरा देखो सीख टाइम ज़ीरो है बेसिकली मेरे पास ठीक है ट्रांसफर टाइम हम नहीं ले रहे कंट्रोलर टाइम हम नहीं ले रहे तो हमारे पास क्या आ गया है रोटेशनल डिले कितना तो हुआ बेसिकली ठीक है तो वो चीज मुझे निकालनी है तो एक सेकेंड में कितनी रोटेशन मैंने निकाली थी एक सेकेंड में मेरे पास होती है सिक्सटी रोटेशंस वो हम ऊपर देख चुके हैं किस तरह से निकालते हैं ठीक है तो रोटेशनल लेटेंसी हमें निकालनी है बेसिकली रोटेशनल लेटेंसी निकालनी है तो रोटेशनल लेटेंसी कैसे निकलेगी दैट इज वन अपॉन सिक्सटी पर सेकेंड विच इज इक्वल्स टू सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन मिली सेकेंड्स ठीक है तो एवरेज रोटेशनल लिटेंसी कितनी आ जाएगी यहां पे एवरेज कितनी हो जाएगी मेरे पास 16.67 क्योंकि दो सरफेस हैं तो दो क्या आपको निकाला तो दो को आप एवरेज करोगे तो दो से डिवाइड करोगे तो आएगा 8.33 पॉइंट मिली सेकेंड्स तो ये आपका आंसर आ जाएगा दैट इज योर एवरेज एक्सेस टाइम ओके सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.